सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे जो अमरिंदर कुमार है इनके ऊपर में, क्योंकि ये पिछले बार भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी, उसके बावजूद इनको नहीं हटाया गया। रोबोट बन जाए हम पढ़ने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग में लगा लें, इतना बेशरम है इसके अंदर में अध्यक्ष, मतलब मानवता नाम पे इसके अंदर है ही ना, निष्ठुर हो गया। शोध क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन ई तो रहेगा, नेगेटिव हम डाल देंगे, बताइए कितना पागलपन इसके दिमाग में। बहुत मतलब मेहनत किए थे, सुबह 6 से रात का 10 का हम लोग का शेड्यूल। जो सफल हुआ है तो मेहनत किया, जो असफल हुआ है तो इतना कट्टा भी चल गया तो किसको अंदाजा था कि होगा कि नहीं होगा। जो सबको तो लग रहा था कि हम लोग का कंफर्म होगा, जितना लिखे हैं उतना तो आया है, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए। कंपटीशन इतना भी मतलब हाई नहीं है कि 113 कटअप चल जाए। मेरा हो गया तो इससे थोड़ी है, मतलब सिस्टम में गड़बड़ी है तो मेरा आगे हटा दिया जाएगा। आज भले हो गया कल हटा दिया जाएगा। हम लोग को तो उम्मीद था कि बहुत ही पारदर्शिता से होगा, लेकिन कहीं कहीं जो रोल नंबर देखने को मिल रहा है वो एक सीरियल वाइज में देखने को मिल रहा है एक खास रूप से, तो लगता है कहीं कहीं कोई जगह पर जहाँ से सेंटर गया है वहाँ पर लगता है कहीं कुछ हुआ है। उसी SDM के पोस्ट पे कालाबाजारी इसके अंदर हो रहा है, बड़ा बड़ा मंत्री धन्ना सेठ और जो मतलब कालाबाजारी जो करते हैं ना शिक्षा माफिया, सब ये लोग से जुड़ के SDM और DSP का पोस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा SDM का पोस्ट 88 है, उसको बेचने के लिए ये लोग यहाँ पे गोरख धंधा कर रहा है। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ का शिक्षा सबसे कम है, उसके बाद इतना हाई कटअप पे जाएगा, लग रहा है कोई गांजा पीता ना गांजा भांग पी के लोग क्वेश्चन बनाता है। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम, BPSC कार्यालय में बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं जो इस बार 67वीं PT का जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, 113 कटअप पार नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। उन्हीं के बीच में जो असफल तो पहुंचे हुए हैं, ये भीड़ को मैं दिखाई हूँ, लेकिन सफल भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर आप लोग सफल हो चुके हैं तो ये असफल वाले के भीड़ में क्यों आए हैं? नहीं, मेरा तो एक नंबर से नहीं हुआ है। अच्छा, आपका नहीं हुआ, आपका हुआ है? इनका भी, हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो हम लोग पाँच छः लोगों का ग्रुप था, तो उसमें से हम लोग रोज़ डिस्कशन करते थे शाम में। बहुत मतलब मेहनत किए थे, सुबह 6 से रात का 10 का हम लोग का शेड्यूल। सफल हुआ है तो मेहनत किया, जो असफल हुआ तो मैम कह रहे हैं, अभी सुनिए ना, क्या हुआ कि मेहनत तो सब लोग किए, हम लोग का क्या हुआ कि जैसे किसी का हुआ भी है ना मैम तो बहुत अनलकली टाइप से हुआ। जैसे इसका 109 नंबर है डायरेक्ट, मान ली मेरा 110 नंबर है, मेरा दोस्त का 108 नंबर है, तो ऐसा थोड़ी कि मेहनत कम किए हैं, मेहनत तो ये भी उतना ही किए हैं जितना हम लोग किए हैं, तो उसमें एक दो नंबर इनका मान लिया कम गया। इतना कट्टा भी चल गया तो किसको अंदाजा था कि होगा कि नहीं होगा। जो सबको तो लग रहा था कि हम लोग का कंफर्म होगा। अब बताइए, हम लोग एक साल, अभी भी आप लाइब्रेरी जाइएगा संडे हो या मंडे, सुबह 6 से 10 का हम लोग का शेड्यूल है, शाम में 6 से 10 का डिस्कशन का शेड्यूल है, वो कंटिन्यूस हुआ है पूरा एक साल। इतना होने के बाद भी यदि कटअप से रह जा रहे हैं कोई बच्चे, जैसे हम लोग का हुआ तो मान ली मेरा एक दोस्त का जैसे 109 है, मेरा 110 है, तो हम लोग तो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। इतना मेहनत करने के बाद ही मेरा दोस्त का जैसे एक नंबर से रह गया। आपको क्या लग रहा है कि जो आपका आना चाहिए उतना आया है या जितना लिखे हैं उतना तो आया है, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए। कंपटीशन इतना भी मतलब हाई नहीं है कि 113 कटअप चल जाए, 109 कटअप चला जाए, कुछ ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है ही। मतलब अपना दोस्त लोग को सपोर्ट करने के लिए? हाँ, मेरा जरूर सिस्टम को सुधारने के लिए। मेरा हो गया तो चलो तुम दोस्त दोस्ती कर। हाँ, मेरा हो गया तो इससे थोड़ी है, मतलब सिस्टम में गड़बड़ी है तो मेरा आगे हटा दिया जाएगा। आज भले हो गया कल हटा दिया जाएगा, इंटरव्यू में हटा दिया जाएगा। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि जनरल से हम लोग ऊपर कट ऑफ में आ गए हैं, लेकिन ये कभी उम्मीद नहीं था कि इतना कट ऑफ चला जाएगा। आप लोग का कितना टीम था? हम लोग करीब 6 लोग थे। हम लोग दो लोग का हुआ, अब बाकी लोग सब लोग का रह भी गया ना मैम, तो किसी का 107 नंबर है, किसी का 105 नंबर है, इनका 108 नंबर है, मतलब 2-3 नंबर से ही सब रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी समझिए कि 2-3 नंबर से रह गए हैं सब लोग, क्योंकि इतना कटअप जाना मतलब। अच्छा, उस बार तो बहुत खुश थे आपके टीम में, मैं भी गई थी, मतलब जो अभ्यर्थी है कुछ दिखा रहे थे कि देखिए सारा जो क्वेश्चन है कहीं कहीं क्वेश्चन पे OMR जो कोड था वो दिया हुआ था, सॉरी OMR नहीं, ये जो हम लोग को तो उम्मीद था कि बहुत ही पारदर्शिता से होगा। हाँ। लेकिन कहीं कहीं जो रोल नंबर देखने को मिल रहा है वो एक सीरियल वाइज में देखने को मिल रहा है एक खास रूप से, तो लगता है कहीं कहीं कोई जगह पर जहाँ से सेंटर गया है वहाँ पर लगता है कहीं कुछ हुआ है। नीचे वाला क्या करेगा? देखिए क्या था कि हम लोग पटना के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सभी ने कहा था कि 102, 103, ज़्यादा से ज़्यादा 106 तक बोला गया था, उससे ज़्यादा कभी भी कटअप नहीं। शिक्षक भी यही बोल रहे थे। हाँ, और
और उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रीच है। हम लोग का भी जिससे बात हुआ था, चाहे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स में जो भी सर्कल में लोग थे सबसे बात हुआ था, तो लगभग सब लोग का लग रहा था कि 102-105 तक जा सकता है कट ऑफ। और मेरा 108 था, तो मैंने बनाया था, तो मुझे उम्मीद भी था कि मेरा इतना आएगा, तो मैं ये उम्मीद में था कि मेरा जनरल कैटेगरी से हो जाएगा, वैसे मेरा EWS है, लेकिन जो कैटेगरी जो रिजल्ट आया तो फिर 109 आया, तो उसके बाद से फिर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो इसके बाद से तो क्वेश्चन उठना लाजमी है सबका, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे जो अमरिंदर कुमार है इनके ऊपर में, क्योंकि ये पिछले बार भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी, उसके बावजूद इनको नहीं हटाया गया। उसके बाद जो आरा में एग्जाम हुआ वहाँ पे जो भी संलिप्त पाए गए थे उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, उनका नाम नहीं दिखाया गया, जबकि जो आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला था कि जो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा उनको, उसके बाद जो क्वेश्चंस की जांच होगी, उसके बाद जो OMR सीट होगा उसको भी दिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक OMR भी नहीं दिखाया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स बनाए गए, जैसे कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा OMR दिखाया जाए, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए आप बताइए, आप लोग का जो 67वीं एग्जाम हुआ उस समय क्वेश्चन लिखा, आप लोग घेराव भी किए, आंदोलन भी किए, मुख्यमंत्री को भी झुका दिए, फिर भी बताइए आपका रिजल्ट आने के बाद ऐसा 67वीं में ही क्यों ग्रहण लग रहा है? देखिए मेन ग्रहण का बात है, ग्रहण तो खैर इससे पहले भी बहुत बार लगा हुआ है, इन लोग अंदर जो है ना, इस बार आप लोग नब्स पकड़ लिए, छोड़ ही नहीं रहे सरकार को, इस बार चरम पे है। इस बार जो है ना SDM का पोस्ट 88 को है, उसी SDM के पोस्ट पे काला बाजारी इसके अंदर हो रहा है। बड़ा बड़ा मंत्री धन्ना सेठ और जो मतलब काला बाजारी जो करते हैं ना, शिक्षा माफिया, सब इन लोग से जुड़ के SDM और DSP का पोस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा SDM का पोस्ट 88 है, उसको बेचने के लिए ये लोग यहाँ पे गोरख धंधा कर रहा है, इसीलिए इतना हाई कटअप गया। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ का शिक्षा सबसे कम है, उसके बाद इतना हाई कटअप कह जाएगा, SC का हाई कटअप गया, EBC का हाई कटअप गया, 109 EBC का 109 कहाँ से लाएगा? जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, कोयरी है, फलना है, दुसात है, वो 109 कहाँ से लाएगा? नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इतना हाई कटअप SC ST का ले जा रहे हैं, EBC का ले जा रहे हैं, और जनरल का भी बहुत हाई कटअप, 113 जनरल कहाँ से लाएगा? रोबोट बन जाए हम पढ़ने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग में लगा लें, इतना बेशरम है इसके अंदर में अध्यक्ष, मतलब मानवता नाम पे इसके अंदर है ही ना, निष्ठुर हो गया, अंदर में सिर्फ शरीर, आत्मा मर गया, सिर्फ शरीर है। ये लोग अगर बस चले ना तो लोग को बेच के कोई लोग खाए, अंदर का किडनी दिल सब बेच के लोग, अंदर में जितना भी लोग अमानवीय लोग बैठा हुआ है, अध्यक्ष हो या एग्जाम कंट्रोलर अमरिंदर कुमार, सब एक मिला जुला जो है ना ताना, इसका जो है ना इतिहास रहा है 39वीं से लेके 67वीं तक, हमेशा 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत देता है, लग रहा है कोई गांजा पीता ना, गांजा भांग पी के लोग क्वेश्चन बनाता है, इतना मतलब गिरा हुआ मानसिकता है कि 150 क्वेश्चन बोलते हैं कि बड़े बड़े IAS बैठे हुए हैं, कौन तुम IAS हो? ग्रुप डी का जो तैयारी करता है रेलवे का ना, उसको अगर दे देंगे 150 क्वेश्चन सेट करो, सही से आंसर सेट करो, वो ठीक करके दे देगा, लेकिन ये 150 क्वेश्चन भी ठीक, ऊपर से और क्या एक नया शोध कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, नया शोध क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन ई तो रहेगा, नेगेटिव हम डाल देंगे, बताइए कितना पागलपन इसके दिमाग में, मतलब लग रहा है ना ऐसा कि गांजा भी एक बार पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, दिमाग का जो है संतुलन ये लोग का खो गया है, ऑप्शन ई भी रखेंगे और नेगेटिव भी डालेंगे। ये लोग का जो संस्कार है ना, अंग्रेजों से मिलता जुलता संस्कार है, अंग्रेज जो होते थे ना, अंग्रेज जनता के नहीं सुनते थे, कितनों मर जाए पिट जाए कुछ भी, ऐसा ही लग रहा है कि आयोग भी नहीं, वैसा ही अंग्रेजी शासन। आपसे बात करते हैं थोड़ा सा, इन लोगों के पास आ जाए, क्या है भाई ये, क्या आप कर रहे हैं? मैडम देखिए ये 67 BPSC का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है वो टोटल रिजल्ट वैकेंसी 802 था, उसमें से टोटल रिजल्ट 11,607 आया है, और अगर कैटेगरी वाइज हम लोग अगर देखेंगे तो टोटल आयोग का कहना कि 14 गुना रिजल्ट आया है, बताइए पूरी तरह से ये अन्याय है। तो आप सुन रहे हैं, ये लोग अपना जूना और भागा ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से आयोग के द्वारा रिजल्ट में छेड़खानी की गई है, आयोग के द्वारा किस तरह से गलतियाँ की गई है, और उसका भुगतान यानी कि जो भुगतने का काम है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, और वो पूरा समीकरण अपना बता रहे हैं कि रिजल्ट में किसे और कैसे ज़्यादा इस बार रिजल्ट दिया गया है। चले जो भी अपडेट होता है हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली बाहर जब आएंगे निकल के तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ अंदर बात हुई है और फिर आगे की इन लोगों की क्या कार्रवाई होगी। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।